हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार है और आप देख रहे हैं टेक्निकल विजय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप अपने FB का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या है कि काफ़ी दिन पहले मतलब काफ़ी सी वीडियो चल रही हैं कि व्हाट्सअप का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें एंड मैक्स प्लेयर का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने FB का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें। तो दोस्तों, सिंपली से हमें करना क्या है, इसके लिए हमें एक ऐप्स की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है डिसेंजर टूल्स। तो सिंपली से इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली से हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसे डाउनलोड करने के बाद फिर क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो सिंपली से ये मेरा जो डाउनलोड हो गया है और इसे डाउनलोड करने के बाद कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, तो वो सेटिंग क्या करनी पड़ती है तो हम आपको बता देते हैं। सिंपली से इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ये मैका ओवरली का। तो सिंपली से इसे ओपन कर देना, यानी चालू कर देना है इस प्रकार से, जैसे मैं चालू कर देता हूँ, ठीक है ना। चालू करने के बाद फिर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं फोटेज के, किस तरह की आप फोटेज लगानी चाहते हैं। तो सिंपली से अगर आप मोबाइल में लगाना चाहते हैं तो ये वाला सही रहेगा, बाकी आप डेस्कटॉप में लगाना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला सही रहेगा। तो सिंपली से मैं मोबाइल में लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली से यहाँ पर क्लिक करूँगा और मेरा एक फोटेज सेलेक्ट कर लूँगा। तो सिंपली से मैं एक फोटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ मोबाइल पर जाने के बाद, सिंपली से ये वाला मैं लगा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा जो ये फोटोज मैंने लगा दिया। और ये लगाने के बाद फिर से इसे आपको बंद करना है, बंद करने के बाद फिर से चालू कर देना है। और आप देख सकते हैं मेरे जो बैकग्राउंड में फोटोज लग चुकी है। तो सिंपली से आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन लाइट का होता है ऑपरेटिंग का, अगर मतलब इसे जितना भी आप खोल देंगे तो ये आपका उतना ही फोटो तेज दिखने लगेगी। अगर आप मतलब इसको इतना रखिए कि आपका जो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ये आपके समझ में आए। तो सिंपली से हम आपको FB पे चलते हैं। तो FB पे जैसे ही हम चले गए तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं FB पे आ गया, तो मेरी जो FB आप चलाते रहेंगे और आपका बैकग्राउंड भी यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों, और यहाँ से आप मतलब किसी भी ऐप्स में सब जगह आपके फ़ोन पे या बैकग्राउंड पे फोटो लगी रहेगी। तो दोस्तों, आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब।